तो न्यू साउथ एकेडमी पे आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का दैनिक जागरण अखबार। आज है 29 सितंबर 2022। देखिए, PFI और उसके सहयोगी संगठन प्रतिबंधित। गवर्नमेंट गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए इन सबको बैन कर दिया है। अब ये 5 साल तक कुछ भी नहीं कर सकते इनके साथ। देखिए, इनके PFI और इसके सहयोगी जितने भी संगठन थे सभी को एकदम देखिए बैन कर दिया गया है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन केरल, देखिए सारा ये सब प्रतिबंध है। केरल में भी देखिए वहाँ पर विरोध भी चल रहा था। इसके बावजूद देखिए केंद्र सरकार ने ED और EB का देखिए पिछले हफ्ते छापा खूब पड़ा था। इनके सहयोगी 171 लोग कार्यकर्ता जो थे गिरफ्तार हुए थे, UP से लेकर बिहार, पटना, बिहार MP हर जगह से सब गिरफ्तार हुए। अब ये देखिए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान CDS बन गए हैं। इसके पहले देखिए बिपिन रावत थे हमारे, उनका ध्यान उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसमें वो उनकी वाइफ का डेथ हो गया था। तो अभी देखिए अनिल चौहान को नया CDS बनाया गया है। तो अभी देखिए अग्रेस यहाँ देखिए कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे दिग्विजय। यहाँ पे दिग्विजय की संभावना बढ़ रही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए। केंद्रीय कर्मियों पेंशनों का DA 4% बढ़ गया है। जिन जो केंद्र के कर्मचारी हैं उनके 4% DA बढ़ गया है। यहाँ पे देखिए रूस के पक्ष में आ गया है जनमत संग्रह जो रूस ने कराया था। तो वहाँ कब देखिए अमेरिका ने आज हमला कर दिया है, जो रसिया ने गैस पाइपलाइन बना रखा है यहाँ से लेकर रसिया से मतलब जर्मनी तक वहाँ को सप्लाई करता था। अब वही अब अमेरिका ने पूरा उसको क्या है उसको क्रैश कर दिया है। अब वहाँ पे सोचिए क्रैश कर दिया, पाइपलाइन लीक हो गया, अब सारा पाइपलाइन वहाँ से गैस जा ही नहीं सकता। अब जो कि अमेरिका के महंगे दामों पे यूरोप कंट्री को अपना गैस बेचेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ममता सरकार की दुआरे राशन योजना अवैध, हाई कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे ममता सरकार ने दुआरे राशन योजना चलाई थी। अब ये देखिए ये दुआरे राशन योजना किस सरकार की है, तो इसे ये पूछ सकता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। इसके बाद देखिए बाकी अब ये देखिए नई दिल्ली मुंबई समेत 3 स्टेशन बनेंगे विश्व स्तरीय। अभी देखिए विश्व स्तरीय क्या बनाते हैं। आर्थिक मामलों की मंडली समिति ने लिया फैसला। यहाँ पे नोटबंदी मामले पर संविधान पीठ 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। नोटबंदी को लेकर केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे देखिए अनिल चौहान जो है चीन मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इसलिए उनको सिडनी CDS बनाया गया है। अब देखिए आ जाइए अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं किसान ड्रोन। अब देखिए किसान का जो ड्रोन है किस तरीके से खुशहाली ला रहा है किसानों के चेहरे पर। तो इसमें देखिए कौन सा ड्रोन है, किस कैसे हेल्प कर रहा है, तो इसके बारे में अच्छे से थोड़ा पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे आ जाइए विधायक दल की फिर बैठक हो, सोनिया गांधी को दिया जाए निर्णय का अधिकार। अभी देखिए सब चल रहा है, अब कांग्रेस देखिए पूरा बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखिए अखिलेश यादव 2024 के लिए दिया दल पिछड़ों की एकता का मंत्र। अब देखिए सब अपना अपना गेम खेलना शुरू कर रहे हैं। गुजरात को पहली मेट्रो और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे PM मोदी।
अब ये देखिए, पहला मेट्रो और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे पीएम मोदी। देश को एक सत्र में बांधना सिखाएगी नई पीढ़ी। लता दीदी के भजनों ने हमारे मन को राममय बना दिया। मोदी देखिए, कल लता मंगेशकर का जन्मदिन था तो फुलवारी शरीफ में हुआ था PFI की इंडिया 2047 साजिश का पर्दा। अब ये देखिए कहाँ पे इनका पर्दाफाश हुआ था, फुलवारी शरीफ में हुआ था पर्दाफाश। सोचिए, नहीं तो पता भी नहीं चलता। इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रहने वाले युवाओं को प्राथमिकता देता था PFI के महासचिव ने भंग किया संगठन। देखिए यहाँ पे हैं, 3 तलाक के बाद अब बहुपत्नी प्रथा पर लाना है कानून। अभी देखिए बहुपत्नी प्रथा पे कानून आने जा रहा है। बाकी अब देखिए, विशेष योजना बनाकर ड्रग तस्करी पर नकेल कस रहा है गुजरात। अब देखिए नुकला इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है, तो आप देख लीजिए किस तरीके से गुजरात सरकार ने किस तरीके से मतलब अपना पॉलिसी बना के किस तरीके से ड्रग तस्करी पर नकेल कस रहा है। तो इसलिए हमारे पेपर 3rd में हमारी मदद करेगा, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 142 के तहत विवाह विच्छेद की शक्तियों पर सुनवाई शुरू। पत्नी बच्चों का भरण पोषण करना पति का कर्तव्य, कोर्ट। यहाँ पे देखिए, पति का कर्तव्य हो गया भैया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को अदालत में पेश होने का उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। दिल की बीमारी कोरोना बूस्टर डोज में कोई संबंध नहीं, विशेषज्ञ कह रहे हैं। ये हमारे कोई काम का मतलब कोरोना चला गया तो काफ़ी कुछ काम का है नहीं। इसके भी देखिए, परीक्षा में अंक मिला 0 और सर्वर से प्राप्त अंक हो गया 70। CBI ने हाई कोर्ट को सौंपी फॉरेंसिक रिपोर्ट में दी जानकारी। यहाँ पे देखिए, एक परीक्षा SSC के भर्ती घोटाले में हुआ था कि 0 अंक और सर्वर से प्राप्त अंक होंगे 70। केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांग सकते हैं जांचकर्ताओं के नाम। इसके बाद देखिए, आ जाइए, प्रतिबंध के बाद चुनौतियां। ये देखिए, ये हमारे लिए थोड़ा PFI पर चीज़ें हैं पढ़ने लायक। दो बाकी सब तो आप जाने, चुनौतियां क्या है, किस तरीके से रहेगी कि PFI किस तरीके से एक नया संगठन बन के उभर सकता है, उसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सार्वजनिक खरीद पोर्टल, उसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। आर्थिक आरक्षण की संवैधानिकता का प्रश्न, अभी देखिए ये संवैधानिकता का प्रश्न चल रहा है कई दिनों से, तो इसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं किस तरीके से चल रहा है। 103वां संशोधन कितने तक दिया गया है, मैं भी पढ़ लूँगा, पढ़ के बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं, कल आपको डिस्कस कर लूँगा मैं थोड़ा इसके बारे में। देखिए, प्राकृतिक गैस मूल्य में 50% वृद्धि संभव। देख लीजिए, इस तरह अगर बढ़ गया तो काफ़ी बढ़ जाएगा। 5 वर्ष में 3 गुना से ज़्यादा बड़ा बैंकों का फंसा कर्ज। अब देखिए, 3 गुना ज़्यादा बैंकों का कर्ज फंस गया है। इस तरीके से अगर बैंक कर्जा फंसेगा तो बैंक कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे, देश की इकोनॉमी में काफ़ी दिक्कत आएगी। देश में ज़्यादा सरकारी बैंकों की ज़रूरत नहीं, भट्टाचार। अब ये देखिए, भट्टाचार कह रही है देश में ज़्यादा सरकारी बैंकों की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत नहीं रहेगा तो भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट बैंक हैं वो सब बहुत मिनिमम बैलेंस रखने का करते हैं। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि मिनिमम बैलेंस रख सके, 5,000-10,000, तो बहुत से गरीब हैं, कहाँ से रखेंगे। आतंकी ने माना कश्मीरियों के असली हमदर्द सेना। यहाँ पे देखिए, आतंकी ने माना कि सेना वहाँ का दर्द है। भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त जयशंकर। अब देखिए यहाँ पे हैं, जयशंकर साहब गए थे वहाँ, उनको भव्य स्वागत हुआ है अमेरिका में।
इसे आपके विरुद्ध आंदोलन के बीच ईरान इराक का कुछ इलाकों पर हमला हो गया है। इसको थोड़ा देख लीजिए। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन के समर्थन में उत्तरी इटली की भावी पीएम मेलोनी। महंगाई और ब्याज दरों में कटौती कर पाक की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे इसाक डार। अब देखिए किस तरीके से लाते हैं। बाकी यूक्रेनी क्षेत्र में जन संग्रह का नतीजा रूस के पक्ष में आ गया है। अब देखिए अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा, यूक्रेन में कुछ ना कुछ कर ही रहा है अपना। कि अब रसिया जब संभव रसिया के पक्ष में आ गया तो यूक्रेन का तीनों इलाका चला जाएगा। अब रहा यूक्रेन को भी वही दिक्कत होगा। अभी रसियों को हरा के उसने नॉर्थ वाले से भगा दिया वहाँ के, उसको कभी फिर से अपने देश में मिला लिया जिसने रसिया ने कब्जा कर रखा था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैरिस की सियोल यात्रा से पूर्व उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइलें। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा विश्व पर। विश्व में अधिक पुलिस चौकियों से अपने नागरिकों पर नज़र रख रहा चीन। देखिए चीन अपने नागरिकों पर नज़र रख रहा है किस तरीके से। भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर। बाकी देखिए टोकन से सुरक्षित होगा लेन देन। बाकी देखिए हमारे काम के कुछ है नहीं। मस्तिष्क का आदेश मानकर काम करेगा कृत्रिम हाथ। अब कोई कृत्रिम हाथ बनाया है उसको लेकर चर्चा चल रही है। आज का सेशन दोस्तों यहीं तक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोशिश हमारी जारी रहेगी अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट मिले।